नमस्कार, पंजाब किसी टीवी में सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा जी। दर्शकों, एक बार फिर मौसम अपडेट के साथ लाइव जुड़े हैं और किस तरह का मौसम रहने वाला है आगामी दिनों में, आज कहां पर हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है, तमाम सारी जानकारियां हम आप तक साझा करेंगे। फिलहाल अभी आप देख पा रहे हैं ये धौलाधार की पहाड़ियां, उस पर हुआ ताज़ा हिमपात। हम आपको बता दें कि आज जो प्रदेश के ऊँचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर हिमपात होने की जो है मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया है कि ऊँचाई वाले क्षेत्रों पर आज हिमपात जो है वो होगा। वहीं कल से अगर हम बात करें तो बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि दो पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो रहे हैं, जिसके चलते 3, 4 और 5 को बारिश और बर्फबारी का फिलहाल अलर्ट बताया गया है। वहीं जिस तरह से मौसम करवट जो है वो बदल रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो बागवान है चाहे वो किसान है उनकी दिक्कतें ज़रूर बढ़ रही है, क्योंकि अब जो बारिश का अलर्ट जो जारी किया है उसमें ये भी बताया गया है कि आंधी तूफान और ओलावृष्टि के साथ गर्जन भी होगी और उसके साथ बारिश जो है वो रहने वाली है। तो ऐसे में जिस तरह से अगर हम खेती की बात करें, गेहूं की खेती को भी नुकसान जो है वो अब हो रहा है इसी के साथ, क्योंकि आम की भी फसल जो है वो तैयार होने वाली है और उसे भी अगर बात करें तो उसे भी कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो लोग बागवान है उन्हें झेलना पड़ रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें आज की, तो आज फिलहाल जिला कांगड़ा की बात करें तो धूप के साथ दिन की शुरुआत हुई है, कल भी मौसम जो है वो साफ बना हुआ था। वहीं जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि प्रदेश में लगातार दो पश्चिमी जो विक्षोभ है वो सक्रिय होने वाले हैं, जिसके चलते बैक टू बैक इन पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में कल से यानी कि 3 अप्रैल से 3 दिनों तक आंधी, बिजली गिरने, ओलावृष्टि सहित वर्षा व हिमपात होने की जो है वो आसार है। वहीं अगर आज की बात करें तो आज मंगलवार रात्रि एक पश्चिमी जो विक्षोभ है वो सक्रिय होगा, जबकि 5 अप्रैल को एक अन्य जो पश्चिमी विक्षोभ है वो भी सक्रिय होने वाला है, और जिसके चलते जो है वो 5 अप्रैल को भी बारिश और बर्फबारी के आसार जो है वो बने हुए हैं। हालांकि 3, 4 और 5 अप्रैल को कुछ जगहों पर बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर हिमपात जो है वो होने की संभावना जो है वो मौसम विभाग केंद्र शिमला की ओर से जो पूर्वानुमान जो है वो लगाया गया है। वहीं अगर हम कल की बात करें तो कल राजधानी शिमला सहित अधिकांश हिस्सों में धूप जो है वो खिली रही और उसमें उसकी वजह से तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन अगर पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं तो कई हिस्सों पर बारिश जो है वो हुई है। हालांकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि आगामी 4 दिनों में हिमाचल में बैक टू बैक जो है पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जिससे बुधवार से प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं प्रदेश के निचले क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो मध्य पर्वतीय इलाकों में भी इस दौरान बारिश जो है उसकी संभावना और ओलावृष्टि की संभावना जो है वो मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। तो दर्शकों, क्योंकि एक दो दिन फिर से खराब मौसम जो है वो रहने वाला है, भारी बारिश ओलावृष्टि जो है वो बताई गई है, हिमपात ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज से ही बताया गया है, आज से ही शुरू हुआ है। फिलहाल अभी तक मौसम जो है वो जिला की बात करें तो साफ है, पिछले कल भी मौसम जो है वो साफ रहा था और तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी अब हो रही है। लेकिन जिस तरह से दो पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो रहे हैं उसके चलते बैक टू बैक बारिश और बर्फबारी जो है वो उसके आसार जो है वो बताए गए हैं। फिलहाल इस वक्त मौसम एकदम से साफ है और तापमान में भी बढ़ोतरी जो है वो की गई है। जिस तरह से पहाड़ जो है वो फिलहाल ठंडे हो रहे हैं, मैदानी क्षेत्रों का पारा जो है वो बढ़ रहा है, उसके चलते कहीं ना कहीं अब टूरिस्ट की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल ये देख सकते हैं ये ताज़ा हिमपात है, क्योंकि 31 तक जिस तरह से मौसम खराब बताया गया था ये उस दौरान ये ताज़ा हिमपात जो है वो हुआ है, लेकिन फिर से आज ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना जो है मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। और कल से 6 तक जो है वो बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जो है वो जारी किया है, येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं।
वहीं जिस तरह से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो रहा है, सड़कें बाधित हो रही है, NH बाधित हो रहे हैं, बिजली ट्रांसफर बाधित हो रहे हैं, तो उसी को लेकर के अगर हम बात करें तो एक ही दिन में 71 सड़कें वे 170 ट्रांसफार्मर भी दुरुस्त जो है वो कर लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि जिस तरह से ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर हिमपात हुआ था जिसके चलते ट्रांसफार्मर ढप पड़े हुए थे, सड़कें जो है वो आवाजाही उनमें बंद हो गई थी, वो भी अब खुल गई है। फिलहाल अभी जो है स्थितियां सामान्य है, लेकिन जिस तरह से फिर से अलर्ट जारी किया है, अब देखना ये होगा कि किस तरह से बर्फबारी होती है, किस तरह से बारिश जो है वो होती है और कितनी मुश्किलें लोगों की बढ़ती हैं। फिलहाल जिस तरह से बारिश जो है वो हो रही है उससे ठंडक ज़रूर राहत जो है वो मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से धूप हो रही है, पिछले कल की भी बात करें तो तापमान जो है बढ़ोतरी दर्ज की गई है, तो जिस तरह से ये बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं ज़रूर ठंडक मिल रही होगी। लेकिन देखिए मुसीबतें भी ज़रूर बढ़ रही है, क्योंकि अब अप्रैल शुरू हो गया है, गेहूं के पकने की भी जो है वो दिन है, तो ऐसे में जिस तरह से आंधी तूफान हो रहा है या बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, उससे गेहूं की फसल को ज़रूर नुकसान जो है वो पहुंच रहा है। ये लाइव तस्वीरें ये देख सकते हैं, वही मौसम की ओर अगर हम कैमरा घुमाएं तो पूरी तरह से साफ बना हुआ है, लेकिन आज ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बर्फबारी होने की संभावना जो है वो मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। हालांकि बात करें जिस तरह से 28 से 31 मार्च यानी कि पिछले दिनों अलर्ट जारी किया गया था, वो उसका जो असर है वो बेअसर दिखता नज़र आया था, क्योंकि अधिकांश कुछ एक जिलों में ही बारिश ओलावृष्टि जो है वो हुई थी। लेकिन अगर हम बात करें अब जो ये जिस तरह से कल से येलो अलर्ट जारी किया गया है, उसमें दो पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय बताए जा रहे हैं और जिसके चलते 3, 4 व 5 अप्रैल तक खूब बारिश और बर्फबारी आंधी चलने की भी संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। तो दर्शकों महत्वपूर्ण अपडेट मौसम को लेकर के हमने आप तक साझा करी है। मिलते हैं अगले लाइव में, बने रहिए पंजाब की सी टीवी के साथ। मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।